हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 13th रोज़ा एंड आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं? उम्मीद है सबके रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। मेरे भी मतलब बहुत अच्छे से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलो आज देखते हैं कि आज मम्मा ने क्या मतलब क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। मम्मा चल देख कर आते हैं मम्मा आज क्या बना रहे इफ्तार में। मम्मा आज क्या इफ्तार में क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। अच्छा, तो यहाँ पर मैरिनेट हो गया। हाँ, और यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे ये रेडी कर लिया है फ्लावर सब। अच्छा, और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स, उसको भी हम क्रश कर लेंगे। और ये यहाँ पे मम्मा बना रहे चना, वो भी बहुत टाइम के बाद बनाएंगे हम मसाले वाले। आलू आलू चना होता है ना जैसे, हाँ, जो बॉम्बे साइड मिलता है। हाँ, तो आज हम बनाएंगे आलू चना। हाँ, अभी फर्स्ट टाइम मतलब बहुत दिन हो गया बनाए। हाँ, बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम आई जाके बर्थडे में बनाया था ना मम्मा। तो चलिए मैं कॉर्नफ्लेक्स को क्रश कर लेती हूँ। और मम्मा और क्या बना रहे हो? और बनाएंगे चिकन चीज बॉल। उसके लिए हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है कीमे को। अच्छा, इसमें सारे मसाले ऐड करके फिर हम उसके चीज ऐड करके इसके रोल बना लेंगे। तो कौन सा चीज डालोगे आप इसमें? नॉर्मल क्यूब? नॉर्मल क्यूब डालेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद ये सब बना रही हूँ क्योंकि ना आज मेरा ट्यूशन हो गया था जल्दी और कल था मेरा अरबी का एग्ज़ाम। तो आज मंडे है ना, तो आज मेरे को अरबी के एग्ज़ाम के लिए छुट्टी, कल एग्ज़ाम था संडे को, तो इसी वजह से आज हमको छुट्टी मिल गई थी। और मेरा ट्यूशन भी जल्दी था तो मैं ट्यूशन से फटाफट आ गई थी और अरबी तो जाना नहीं था, तो इसलिए आज मैं मम्मा की हेल्प कर पा रही हूँ बहुत दिन बाद। तो चलिए चीज़ कट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसके साथ साथ समोसा भी यहाँ पर बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम फटाफट से चीज़ बॉल्स बनाना चालू कर देते हैं। तो हमने पहले सर्कल बनाया, अच्छे से बना लिया, उसको फ्लैट कर देते हैं, बीच में डालो। और इसी तरह से हम सारे चीज़ बॉल्स बना लेंगे। जब वो रेडी हो गया, अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। सो मैं भी जा रही हूँ बनाने समोसा, फटाफट से समोसा भी बना लेते हैं। ये पट्टी इसकी, ये यहाँ पर हो गया था समोसा का। सो अब हम इसको यहाँ पर बीच में रख देते हैं चीज़ को, चीज़ के क्यूब को, और ऊपर से थोड़ा सा फिल कर देते हैं, सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं चिकन पॉपकॉर्न को भी जो मैरिनेट मम्मा ने कर दिया था उसको अभी मैं कोट कर रही हूँ। और इसी तरह से हम फटाफट से सब बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारे जो चिकन पॉपकॉर्न है ये रेडी हो गया है। मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया और यहाँ पर कुछ बच गए थे तो उसको मैंने उसमें रख दिया। इसको डायरेक्टली फ्राई कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। हमारे थोड़े से ऑलरेडी फ्राई हो गए, अब इनको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने समोसे और ये डाल दिए नगेट्स। सो यहाँ पर ना, यहाँ पर अबू भी आ गया था हमारी हेल्प करने के लिए बाद में। और यहाँ पर हमारे चीज़ बॉल्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एंड कितने डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहे हैं जब चीज़ बाहर आ रहा था तब। और यहाँ पर मैंने आपको एक ओपन करके अभी दिखाया, आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और फिर यहाँ पर हमारे जो चना है वो भी मम्मा ने बनाया था और इसकी फुल रेसिपी हम आपको कभी और बाद में डिटेल में देंगे। और ये बहुत टेस्टी बना था, लाइक सबको ये बहुत पसंद आया था।
और यहाँ पर हमारी क्रंची और टेस्टी चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, आप मतलब ट्राई कर सकते हो इसको। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे इफ्तार का टेबल रेडी हो चुका है, तो चलो दुआ मांगने बैठ जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना कि जब भी मेरी फर्स्ट नोटिफिकेशन आए आपके पास पहुँचे। बाय, अल्लाह हाफिज़।